हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं? अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं जो एक अंधकार की तरह है स्टॉक मार्केट में, और उस अंधकार से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और यही कारण है शायद कि बहुत सारे लोग जो हैं स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर पाते। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पहले चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो अधिकतर ट्रेडर जो सक्सेस नहीं पाते हैं वो करते हैं। ये एक रिसर्च बेस्ड वीडियो है जिसमें ये चीजें दुनिया भर में रिसर्च करके निकाली गई हैं कि वो क्या कारण है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाते। जब हम इन मिस्टेक्स को जानते हैं तो मार्केट के प्रति सतर्क रहते हैं। और मैं इस वीडियो में पहले आपको मिस्टेक्स बताऊंगा और उसके बाद दोस्तों इसका समाधान क्या हो। मिस्टेक्स जो करते हैं वो तो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से जिंदगी नहीं चलती है दोस्तों, उसका सोल्यूशन चाहिए। तो इस वीडियो में वो मिस्टेक ना हो, क्या हमें चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करें। तो दोस्तों इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। रिसर्च के अनुसार सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक जो है स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में वो है नॉलेज का अभाव। एनालिसिस कैसे करें उस नॉलेज का अभाव हो। अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में अपने कदम को डाल देते हैं, उन्हें या तो बहुत कम नॉलेज होता है और या फिर नॉलेज नहीं होता है, और वो स्टॉक मार्केट में एंटर कर जाते हैं कि किस तरह से मार्केट में स्टॉक की एनालिसिस करें वो उन्हें समझ में नहीं आता है। और ये एक सबसे बड़ा कारण बनता है कि अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा। नॉलेज को प्राप्त करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो सीखने के लिए 10 साल का वक्त देते हैं मेडिकल कॉलेज। इंजीनियर बनते हैं तो 4 साल बीटेक करते हैं, जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो 5 साल का वक्त लगता था, और उसके बाद आप सीनियर किसी इंजीनियर और एक्सपीरियंस इंजीनियर के अंदर में काम करते हैं, और उसके अंडर में काम करते करते अनदर 3-4 साल निकल जाते हैं। यात्रा काफी लंबी होती है, तब जाके एक सक्षम मेडिकल प्रोफेशनल या सक्षम इंजीनियर बनते हैं। क्यों बनते हैं हम डॉक्टर या इंजीनियर? क्योंकि अल्टीमेट गोल है कि हम कंसिस्टेंट पैसा कमा सकते। तो स्टॉक मार्केट भी एक प्रोफेशन की तरह है जहां पर सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब या किताबों को पढ़ के सीखें, और या इस चैनल के ऊपर में जीरो टू हीरो का पॉडकास्ट है उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक सबसे बड़ा दूसरा कारण है कि स्टॉक मार्केट में अधिकतर लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, उन्होंने अगर नॉलेज को गेन भी कर लिया है तो वो इमोशंस के ट्रैप में पड़ जाते हैं। हमारे खुद के इमोशंस बनते हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन। ट्रेडर्स जो हैं उनके ऊपर रूल करते हैं इमोशंस, ग्रीड या फियर या कई बार होप। तो ये इमोशंस जो हैं उस कारण से एक ट्रेडर जो है इंपल्सिव डिसीजन लेता है स्टॉक मार्केट में, जो एक इंफॉर्म डिसीजन नहीं होता है, गाइडेड बाय नॉलेज नहीं होता। रिसर्च के मुताबिक तीसरी कॉमन मिस्टेक है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड को ले लेते हैं बिना किसी स्ट्रैटेजी का निर्माण करते हुए। ये इस तरह की बात हुई कि हम कार लेके निकल तो गए मार्केट में, लेकिन कार चलानी आती नहीं। अब सोचिए क्या होगा, एक्सीडेंट गारंटीड है। ये जरूर हो सकता है कि कार थोड़ी दूर तक चली जाए, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब ट्रैफिक आ गया है तो हम मैनेज कैसे करें ट्रेड को, और फिर हम सोचते हैं अब हम करें क्या। तो ये ऐसा होता है इसीलिए क्योंकि हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण नहीं करते हैं ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले। स्टॉक मार्केट दोस्तों एक चक्रव्यूह की तरह है,
हम सभी ने इतिहास में पढ़ा है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में एंट्री तो कर ली, लेकिन उसे निकलना नहीं आता था चक्रव्यूह से। तो हमें अर्जुन बनना है जिसे चक्रव्यूह को भेदना आता था, घुसना भी आता था और बाहर निकलना भी आता था। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक साउंड स्ट्रेटजी वही होती है जिसमें ट्रेड में एंटर करने की स्ट्रेटजी हो और ट्रेड से बाहर निकलने की स्ट्रेटजी। अब बाहर निकलने की स्ट्रेटजी में पहले से टारगेट कैलकुलेट करना है और पहले से स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करना है। और ट्रेड वही अच्छा होता है जिसमें फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिले, कम से कम 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिले। अगर हम 5,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम ये असर्टेन करना जरूरी है ट्रेड में इनिशिएट करने के पहले कि जो हम रिस्क ले रहे हैं उससे कम दोगुना प्रॉफिट होने की संभावना है कि नहीं। होगा नहीं होगा ये तो बाद में पता लगेगा। किसी भी ट्रेडर के सारे ट्रेड सही नहीं होते हैं, ये सत्यता है स्टॉक मार्केट की। दुनिया भर रिसर्च के मुताबिक चौथा कारण बनता है जिस कारण से स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, वो है कि वो फोकस करते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो बहुत कम समय। 6 महीने में पैसे को डबल करना, 3 महीने में पैसे को डबल करना, 1 साल में पैसे को डबल करना, इस तरह की उनकी इच्छा होती है। और इस तरह से वो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं बिना कोई स्ट्रेटजी के, बिना ज्ञान के, और ये उन्हें मदर ऑफ ऑल लॉसेस की तरफ ले जाता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी कुछ दिन पहले डीकेएस डायमंड क्लब की जो वीकली मीटिंग होती है, जो भी चैनल के डीकेएस डायमंड क्लब के मेंबर्स हैं उनके साथ जो संडे के दिन हम मीटिंग करते हैं उसमें इस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा। जब मैंने उस मीटिंग में एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अगर हमें कंसिस्टेंटली 15 से 20% का प्रॉफिट सालाना होता है तो आप एक महान ट्रेडर हैं, आप बहुत एक्सेलेंट परफॉर्मर हैं स्टॉक मार्केट में। और तब हमारे कुछ मित्रों ने बोला कि बट लोगों का ख्याल रहता है कि किस तरह से हम स्टॉक मार्केट में 6 महीने 1 साल में पैसे को डबल कर दें। सोचिए दोस्तों कि एवरेज रिटर्न्स वॉरेन बुफे जैसे व्यक्ति का करीब 12% के आसपास आता है, बट वो क्यूमुलेटिव रिटर्न का शेप क्या लेता है हम सभी जानते हैं। वॉरेन बुफे इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ। कभी एक मार्केट की कंडीशंस ऐसी मिलेगी कि आपको एक एवरेज प्रॉफिट जो होता है साल का 15% 20% उससे अधिक प्रॉफिट हो जाएगा। कभी मार्केट की कंडीशंस मिलेगी कि आपको अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे जहां इनफ कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं। उस समय पे मार्केट में जब मार्केट चौपी रहता है तो आपके ट्रेड सफल कम होते हैं। रिसर्च के अनुसार पांचवा कारण बनता है जहां पे स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स को लॉस होता है, और वो है ओवर लीवरेजिंग। ओवर लीवरेजिंग है क्या? उधार के पैसे पे काम करना। जब हम एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। पहला कि हम उस पैसे पे ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि तो एक लॉट अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का आपने लिया तो वो 10-12 लाख रुपए का हो सकता है और हम केवल मार्जिन मनी पे करते हैं, एक्चुअल में हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे नहीं। तो अगर उसमें लॉस होता है तो काफी बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरा, पोजीशन साइजिंग करना एक फिक्स्ड लॉट साइज में बहुत डिफिकल्ट। और अधिकतर ट्रेडर्स को देखा गया है कि अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में वो ट्रेड भी करते हैं तो उनकी आर की जो वैल्यू है, रिस्क पर ट्रेड की जो वैल्यू है, वो फिक्स नहीं रखते। रिसर्च के अनुसार सिक्स्थ मिस्टेक जो कॉमन मिस्टेक है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। हम लॉस में बैठे रहते हैं और उस लॉस को रिकवर करने के प्रोसेस में हम और भी गलतियां करते हैं। हम एवरेज करते जाते हैं ताकि हमारा एक्विजिशन प्राइस कम हो सके और मार्केट गिरता रहता है क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन चेंज हो चुका है। और ये नॉलेज की कमी रहने के कारण वो समझ में नहीं आता है कि अर्ली प्राइस एक्शन हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लॉसेस को राइड करने लगते हैं
जबकि प्रॉफिट को राइट किया जाता है स्टॉक मार्केट में, और इस प्रोसेस में लॉस को और भी अधिक बढ़ा लेते हैं। सेवेंथ कॉमन मिस्टेक है, वो है ओवर एक्सपोजर। हमारे दिल में ऐसा ख्याल आता है कि ये भी स्टॉक खरीद लूं, वो भी स्टॉक खरीद लूं, इतने सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग पोजीशन ओपन हो जाती है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम एटम बॉम्ब के ऊपर में बैठे हैं। क्योंकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन जब खराब होगा तो एक सिंगल डे में इतना बड़ा ड्रॉडाउन हो सकता है कि ड्रॉडाउन को दोस्तों मैनेज करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर में भी हमने जीरो टू हीरो का जो पॉडकास्ट है चैनल के ऊपर में एक वीडियो बनाया था कि जब ड्रॉडाउन होता है तो उसको रिकवर करना कितना मुश्किल और डॉन्टिंग टास्क होता है। तो इस कारण से वो लॉसेस को और बढ़ाते चले जाते हैं ओवर एक्सपोजर होने के कारण। एट्थ कॉमन मिस्टेक जो है वो है कि डाइवर्सिफाई नहीं करना। कई बार ट्रेडिंग पोजीशंस, जैसे 5 पोजीशंस खुली है किसी ट्रेडर की और पता लगा कि 4 स्टॉक्स उसके जो है 5 में से वो किसी एक सेक्टर के हैं, बैंकिंग सेक्टर के हैं। अगर उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आया तो बहुत बड़ा ड्रॉडाउन हो सकता है सिंगल डे में। ये भी एक मुख्य कारण बनता है जिस कारण से अधिकतर ट्रेडर प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट जो करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो करना चाहिए, नहीं कर पाते। अब आपने देखा कि इतनी सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं। कभी आपने सोचा है कि इतनी सारी मिस्टेक्स एक अधिकतर ट्रेडर्स क्यों करते हैं? आपको भी अपनी चेकलिस्ट बनाना चाहिए कि ये 8 जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उसमें से कितनी मिस्टेक आप करते हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण आता है मिस्टेक नंबर 1, नॉलेज का अभाव होना। जब नॉलेज का अभाव होता है तो एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता है कि हम कितने बड़े रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर कोई 1 साल का बच्चा है और वो बच्चे के सामने में एक कोबरा आ जाए तो वो कोबरे को पकड़ लेगा, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि कोबरा को पकड़ने से कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। क्या आप और हम उसे पकड़ेंगे? क्योंकि हमने इस चीज को समझा है कि वो एक पॉइजनस स्नेक है, उसे नहीं पकड़ना है, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। क्योंकि ये नॉलेज है, इसी कारण से आप और हम उसे नहीं पकड़ेंगे। लेकिन उस बच्चे को नॉलेज नहीं है, वो इग्नोरेंट है। तो इग्नोरेंस जो है वो सबसे बड़ी जड़ होती है कॉमन मिस्टेक्स करने की स्टॉक। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं दुनिया भर के सारे ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में, तो इसका सलूशन क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने का सलूशन क्या है? तो पहला सलूशन तो ऑब्वियसली है दोस्तों कि सब्जेक्ट को, अगर आप स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं तो सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, इसे सीखना पड़ेगा। अगर आप बिना सीखे हुए कर रहे हैं तो बहुत बड़े रिस्क को इन्वाइट कर रहे हैं। ये मेरे वर्ड को मार्क करके रखिए, क्योंकि ट्रेडिंग जो है स्टॉक मार्केट में एक सीरियस बिजनेस, जैसे दूसरे बिजनेस होते हैं उन्हीं तरीके से इन बिजनेस को भी देखना है जब हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो हमने जब सब्जेक्ट को सीख लिया, मैं सारी कुछ अभी सॉल्यूशंस जो बता रहा हूं उस सब्जेक्ट को हमने सीख लिया, उसके बाद की बातें कर रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहला स्टेप आता है कि हमें अपने ट्रेडिंग कैपिटल को फिक्स करना पड़ेगा। इनिशियली ट्रेडिंग कैपिटल को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे किसी बिजनेस में हम जब शुरुआत करते हैं तो कैपिटल का इन्फ्यूजन करते हैं, तो इसमें भी वैसे ही ट्रेडिंग कैपिटल को आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप 5 लाख करें, 10 लाख करें, 2 लाख करें, वो आपकी चॉइस है। जब ट्रेडिंग कैपिटल आपने फिक्स कर लिया तो आपको फिक्स करना पड़ेगा आर की वैल्यू, रिस्क की वैल्यू। और रिस्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। जो भी आपका ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 1% ट्रेडिंग कैपिटल का आप रिस्क लेंगे पर ट्रेड में, प्रति ट्रेड में, उससे ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए।
तो जैसे 5 लाख रुपए आपका ट्रेडिंग कैपिटल है, तो 1% 5,000 हुआ, जिसका 10 लाख है उसका 10,000 हो जाएगा, जिसका 2 लाख ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 2,000 रुपए। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा ट्रेडिंग कैपिटल के अनुसार। इसके अलावा रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि आपके ट्रेडिंग कैपिटल का मोर देन 10% अमाउंट रिस्क में एक्सपोज हो। इसका मतलब कल अगर सुबह उठें, सारे स्टॉक का अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, जो भी ट्रेडिंग पोजीशन आपकी ओपन है, तो आपका ड्रॉडाउन जो है वो ट्रेडिंग कैपिटल का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने दो बातें की यहां पर, ट्रेड रिस्क की बात की और ओवरऑल ट्रेडिंग पोजीशंस के रिस्क की बात की। ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट जो बिगनर्स होते हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं प्रॉफिट पर, जबकि स्टॉक मार्केट में ये कहा जाता है कि एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट ही अच्छे प्रॉफिट की कुंजी, इट्स अ की टूवर्ड्स दी साउंड प्रॉफिट एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन दी स्टॉक मार्केट। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप आती है कि जब भी हम ट्रेडिंग पोजीशंस को लेने की चेष्टा करते हैं, उसके पहले स्टॉक का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक का चयन कैसे करें, तो स्क्रीनर का इस्तेमाल करें दोस्तों। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की अलग अलग स्टडीज का ज्ञान है तो बहुत आसान है, अलग अलग टेक्निकल स्टडीज के आधार पर आप कई प्रकार के फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, मैं तो ट्रेडिंग व्यू करता हूं, तो ट्रेडिंग व्यू पर आप स्क्रीनर का इस्तेमाल करके उन कंडीशंस को लगा सकते हैं ताकि ट्रेंडिंग स्टॉक का पता लग सके। अब मैं ट्रेंडिंग स्टॉक क्यों बोल रहा हूं, मैं ट्रेंडिंग स्टॉक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने की संभावना उनमें रहती है। ये प्रोवन है, ओवर द इयर्स प्रोवन है कि ट्रेंडिंग स्टॉक में जब आप प्रिवेलिंग ट्रेंड की दिशा में ट्रेड की पोजीशंस लेते हैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेड की संभावना बढ़ जाती है। अब उसके बाद आपने जब स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया स्क्रीनर का इस्तेमाल करके, और टेक्निकल स्क्रीनर का इफेक्टिव इस्तेमाल वही व्यक्ति कर पाएंगे जिनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है। अब नॉलेज आप किताबों को पढ़ के प्राप्त करें या फिर नॉलेज को इस चैनल के पॉडकास्ट जीरो टू हीरो से प्राप्त करें, वो आपकी चॉइस है। अब जब शॉर्टलिस्ट हो गए स्टॉक, तो उनके ऊपर में करनी है डिटेल टेक्निकल एनालिसिस। उसमें प्राइस की एनालिसिस शामिल होगी, वॉल्यूम की एनालिसिस शामिल होगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे मार्क करेंगे, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, इसके अलावा मोमेंटम की स्टडी करेंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस ट्रेड में कम से कम 5 कॉन्फ्लुएंस पता लगते हैं कि नहीं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जब तक आप रूल बेस्ड नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों कहीं ना कहीं आप बायस रहेंगे, अपने ओपिनियन से बायस रहेंगे। और इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि पहले अपने ट्रेडिंग के रूल्स बनाइए, एनालिसिस करने के रूल्स बनाइए और उस रूल्स को इंप्लीमेंट कीजिए। तो जब हम 5 कॉन्फ्लुएंस मिनिमम चेक करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि जो प्रिवेलिंग ट्रेंड मार्केट का है उस दिशा में स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो अप ट्रेंडिंग है तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं, अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो हम शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को तलाशते हैं मार्केट में। तभी तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड जो कैप्शन है वो सही साबित होगा और हमारे फेवर में काम करेगा। अब यहां पे मैंने जैसे बोला 5 कॉन्फ्लुएंस कम से कम मिलने चाहिए, क्योंकि मैं कम से कम 5 कॉन्फ्लुएंस चेक करता। अगर आपने अपने रूल बनाए हैं कि आपको 8 कॉन्फ्लुएंस को चेक करना है या 7 को चेक करना है, 6 को चेक करना है, तो वो आपके रूल है। तो रूल जो है एक बार बन गए तो उसे डेविएट नहीं करना। अब जब कॉन्फ्लुएंस मिल गए तब सिचुएशन आती है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना, और ये सारा काम जो करते हैं हम जब मार्केट बंद होता है, लाइव मार्केट में ये सारी चीजें नहीं की जाती। तो मार्केट में अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना, अगर वो स्टॉक्स आपको मिल गया है
जिसमें कॉन्फ्लुएंस आपको इनफ मिल रहे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक ट्रेंड जो प्रिवेल कर रहा है उसकी दिशा में जा सकता है, तब प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने का वक्त आता है। प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में पहले एंट्री प्राइस, प्रिसाइज तरीके से एंट्री प्राइस को डिसाइड करना, ये सारी चीजें जीरो टू हीरो को पॉडकास्ट में सिखाई गई हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करके हम कई बार एक खराब मार्केट सिचुएशंस को, बैड मार्केट सिचुएशंस को अवॉइड कर पाते। दूसरा दिमाग में ख्याल रखना है कि जब आप एनालिसिस कर रहे हैं और आपको कॉन्फ्लुएंस मिल भी गए, लेकिन अगर ओवरहेड रेजिस्टेंस 1 आर के ऊपर में है, 1 आर का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी एंट्री प्राइस निकली और जो आपने स्टॉप लॉस फिक्स किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 1 आर। अगर 1 आर के अंदर में कोई ओवरहेड रेजिस्टेंस है तो ये गेम स्पॉइलर हो सकता है। सबसे पहले हमें रिस्क की तरफ देखना है, तो ये गेम स्पॉइलर हो सकता है, तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना है जिसमें ओवरहेड रेजिस्टेंस कॉन्फ्लुएंस मिलने के बाद भी अगर विद इन 1 आर निकल के आए, क्योंकि यूजुअली अगर 1 आर प्राइस ऊपर चली गई तो कम से कम ये निश्चित हो जाएगा कि इस ट्रेड में हमें नुकसान नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नुकसान नहीं। अब जाके प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन गई जिसमें आपकी एंट्री की स्ट्रेटजी है और एग्जिट की स्ट्रेटजी है। आप टारगेट कैलकुलेट करते हैं प्राइस पैटर्न के अनुसार या चार्ट पैटर्न के अनुसार टारगेट को कैलकुलेट करते हैं या वेव एनालिसिस के अनुसार टारगेट को कैलकुलेट करते हैं, और आप चेक करते हैं कि आपको कम से कम इस ट्रेड में मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा है तो बेहतर है ना सब कुछ छोड़ देना, क्यों उस ट्रेड को लेना। इसके अलावा किसी स्टॉक का आपने चयन किया तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए क्या इसके अलावा कोई स्टॉक मार्केट में दूसरा स्टॉक नहीं है जो इससे बेहतर कॉन्फ्लुएंस दिखा रहा है, इससे बेहतर मार्केट स्ट्रक्चर है, उसकी वोलेटिलिटी इससे कम है। तो अपने आप से पूछिए, क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट की हैसियत से कोई भी व्यक्ति फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको इसी वाले स्टॉक में पोजीशन बनानी है। अब एक बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन गई दोस्तों, तो अब आता है टाइम एग्जीक्यूट करने का। एग्जीक्यूशन वैसे ही होना चाहिए जैसा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमने बनाई, उसमें बिल्कुल भी डेविएशन नहीं होना चाहिए कि समय पे आपने स्टॉप लॉस को चेंज कर दिया, अपने अपने टारगेट को चेंज कर दिया, ये सारी बातें नहीं होना चाहिए। और ट्रेड जर्नल जरूर मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये जो ट्रेड आपने स्ट्रेटजी बनाई है इसको ट्रेडिंग जर्नल में एंटर कर जाना चाहिए, तभी तो जाके ट्रेडिंग जर्नल का जब हम रिव्यू करेंगे तो हमारे में स्ट्रेंथ क्या है, हमारे में वीकनेस क्या है, ये पता लगेगा, और तभी हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे समय के साथ। और एक बार आपने जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर दिया और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए टर्मिनल पे सारा कुछ डाल दिया, तो उसके बाद स्टॉक के चार्ट को, प्राइस चार्ट को बार बार ना देखें। बार बार प्राइस चार्ट को देखने से मार्केट अपनी दिशा नहीं बदलेगा, लेकिन आपके इमोशंस आपको डिस्टर्ब जरूर कर देंगे और आपको मजबूर भी कर सकते हैं कि आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को चेंज कर। और ये एक मुख्य कारण बनता है कि बहुत सारे लोग दिन भर चार्ट को देखते रहते हैं या फिर ट्रेडिंग टर्मिनल को देखते रहते हैं, प्राइस के ऊपर नीचे जाने के मूवमेंट को देखते हैं। डजेंट मैटर दोस्तों, मार्केट को जो करना है वो मार्केट करेगा, हमारा काम है एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को पता लगाना, और वो हम पता लगाते हैं प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके, कॉन्फ्लुएंस का पता लगा के, और साथ में अगर वो ट्रेड हमारे खिलाफ चला जाए तो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग हमने ऑलरेडी की है रिस्क को मैनेज करने। इन नट शेल अगर मैं बोलना चाहूं तो जब आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में देखने लगेंगे तो आप उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह एक्ट करेंगे, सीईओ की तरह एक्ट करेंगे, और सीईओ जो होता है वो बहुत मेच्योर तरीके से एक्ट करता है, इंपल्सिव डिसीजन कभी नहीं लेता है कोई भी अच्छा सीईओ। तो चलिए अब इस ट्रेड में प्राइस चार्ट में चलते हैं, कुछ फाइनर पॉइंट्स को मैं प्राइस चार्ट के ऊपर में आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको और भी क्लैरिटी आ सके कि इन ट्रेडिंग मिस्टेक्स को तो अवॉइड करना है, और उसको अवॉइड करने के लिए आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का
फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा और उसे बिना डेविएशन के इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इस प्राइस चार्ट के ऊपर में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि कई बार हमें पांच छह कॉन्फ्लुएंस मिल भी जाते हैं और ट्रेंड उसका वेल डिफाइंड भी होता है स्टॉक का, फिर भी हम ट्रेडिंग पोजीशन को इनिशिएट नहीं करते हैं। ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हम लेते हैं मार्केट में और वो है ओवरहेड रेजिस्टेंस। अब इस जगह प्राइस एक्शन को देखिए, प्राइस यहां पर रिजेक्ट हुई, प्राइस यहां पर रिजेक्ट हुई, फिर प्राइस यहां पर रिजेक्ट हुई, प्राइस यहां पर रिजेक्ट हुई, फिर प्राइस यहां पर रिजेक्ट हुई। इसका मतलब इसमें मल्टीपल टच पॉइंट्स, अगर एक आध कोई लेवल रहता तो मैं उसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मानता, लेकिन यहां पे तो मल्टीपल टाइम प्राइस रिजेक्ट हुई है और प्राइस रिजेक्ट होके गिरती है, प्राइस रिजेक्ट होके गिरती है, यहां पर हम देख सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर मानो कि सेलर्स बैठे हुए हैं और जब भी प्राइस वहां जाती है तो सेल कर देते हैं। अब यहां पर एक चीज समझना जरूरी है, इस जगह पे ध्यान से देखें, अगर यहां पे मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो यहां पर एक फ्लैग का ब्रेकआउट भी हुआ है तो कॉन्फ्लुएंस हमें मिल रहे हैं। यहां पर देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया, EMA 21 पे बाउंस बैक है, इसके पहले प्राइस ने कई दिनों तक कंसोलिडेट किया है और उसके बाद में इसका ब्रेकआउट है। प्राइस ओवर एक्सटेंडेड भी नहीं है, मल्टीपल यहाँ देखिए प्राइस ने इसके पहले भी EMA 55 पे टेस्ट किया है, सपोर्ट लिया है। अगर यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन को देखूं तो ये देखिए प्राइस हायर लोस का फॉर्मेशन कर रही है। अगर मैं इसे ड्रॉ कर दूं ऐसे कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट नजर आ रहा है, फिर भी हमें यहाँ पर ट्रेडिंग पोजिशन क्यों नहीं इनिशिएट करना चाहिए? केवल एक कारण है कि अगर यहाँ पर हम ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट करेंगे तो हम बाय स्टॉप ऑर्डर या बाय GTT ऑर्डर डालेंगे करीब 104 रुपए पे। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा, EMA 55 से थोड़ा नीचे, और ये मल्टीपल टाइम जो प्राइस ने सपोर्ट लिया है तो 98 पे रहेगा। इसका मतलब हम रिस्क कितना ले रहे हैं, 104 माइनस 98, ये हम रिस्क ले रहे हैं। इसका मतलब हम 6 रुपए का यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं, ये मेरा हो गया रिस्क पर शेयर। अब ये रेजिस्टेंस तक अगर ऊपर प्राइस जाके रिजेक्ट हो जाती है तो हमारे को कितना यहाँ पे पॉसिबिलिटी है जहां रिजेक्ट होगी, तो 107 रुपए तक जाने की संभावना है। इसका मतलब यहाँ पे केवल 3 रुपए का कुशन मिल रहा है। हमने देखा आर की वैल्यू कितनी थी, 6 रुपीज है, और यहाँ कुशन हमें मिल रहा है केवल 3 रुपए का। अगर ये कुशन हमें 6 रुपए का मिलता तो हम फिर भी चांस लेते, क्योंकि उस समय पे हम कम से कम लॉस को अपने बचा पाते, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम अपने बाई प्राइस पे डाल देते जैसे ही प्राइस 1 आर ऊपर चली जाती। पर यहां पर वो संभावना भी नजर नहीं आ रही है कि प्राइस शायद इस लेवल को ब्रीच कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि मल्टीपल टच पॉइंट से ये रिजेक्शन हुआ है। तो चलिए देखिए अल्टीमेटली हुआ क्या। यहाँ पे ट्रेंड भी बुलिश है, EMA 21 EMA 55 के ऊपर है, EMA 55 SMA 144 के ऊपर है, यहाँ पर प्राइस जो है SMA 200 SMA 233 के ऊपर में ट्रेड हो रही है। तो अब देखते हैं कि अगर हमने ये ट्रेड को नहीं लिया तो अच्छा किया कि गलत किया। तो चलिए आप इसको देखते हैं किस तरह से आगे प्राइस मूव की है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्राइस ऊपर गई और फिर रिजेक्ट हो गई उस लेवल से, आप ध्यान से इसे देख सकते हैं। प्राइस फिर से ऊपर जाके इस जगह पे रिजेक्ट हो रही है, ये क्लियर कट फिर से यहां पर रिजेक्ट हुई और ये देखिए फिर प्राइस गिर गई। अल्टीमेटली इस ट्रेंड लाइन को भी प्राइस ने तोड़ दिया। तो इस तरह से दोस्तों ट्रेड खराब हो जाते हैं तो हम एडिक्वेट प्रिकॉशन लेते हैं। कॉन्फ्लुएंस चेक करने के बाद भी हमें ओवरहेड रेजिस्टेंस को देखना है कि कहीं ओवरहेड रेजिस्टेंस हमारे गेम को तो स्पॉइल नहीं करेगा। तो ये एस्पेक्ट मैं एक्चुअली बताना चाहता था जो बहुत सिग्निफिकेंट है और इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और एक नोटबुक को नोट करते जाइए कि किस तरह की कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो है दुनिया भर के ट्रेडर करते हैं और उस कारण से उन्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं होता है, वो लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसके बाद उनका सोल्यूशंस क्या है कि क्या हमें स्टेप्स लेनी है ताकि इस तरह की मिस्टेक हम बार बार ना करें स्टॉक मार्केट में, जहां पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट होने की संभावनाओं को हम गंवा दें। तो दोस्तों आपके कमेंट्स का हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। क्या इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, क्या कुछ फायदा हुआ है,
सीखने में मदद मिली है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।